नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ जेड पर। मैं आज गांधी मार्केट पर आई हुई हूँ। आपने हमारे पिछले परसों के वीडियो पर ही देखा गया था कि हमने एक इस जगह को कवर किया था कि यहाँ कितना देर सारा कचरा पड़ा हुआ है, इसे लेके हमने एक कंप्लेन कुछ किया था। तो आज देख सकते हैं आपने, जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट के जो लोग हैं उन्होंने इतनी जल्दी इसे अपने रिस्पॉन्सिबल को निभाया गया है, इतनी जल्दी एक्शन लिया गया है। तो मैं उन सभी को अप्रिशिएट करती हूँ, थैंकफुल हूँ। और हम मैं सभी नागरिकों से भी कहना चाहूँगा, अगर इसी तरह हमारा जो लोग है तो वो लोग अपने अपने चीज़ों को इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डेडिकेशन के साथ अगर काम करें, इतनी जल्दी जल्दी अपने चीज़ों को एक्शन लेंगे तो हमारा देश का नज़ारा कुछ और ही होगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट की जो टीम है, वो सभी लोग ये इस जगह को साफ सफाई कर रहे हैं। एंड हमारा यहाँ जो है जय हिंद सर भी आए हैं, तो मैं उनसे आप सभी को थोड़ा इंटरेक्ट कराती हूँ और इस बारे में आप विषय में उनसे थोड़ी बात करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इंट्रो दे दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू न्यू जज टीम ना। और मेरा नाम, हम यूडी से हैं, यूडी का डिपार्टमेंट का है ना, यूडी स्टाफ है। तो कल शाम को हम कवर मिला है कि ऐसे ऐसे हो गया हमारा, तो यहाँ में कचरा भरती है बोल के ना, तो रातों रात हम सबको कवर दे रहे हैं कि कल सुबह जैसे भी साफ करना है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर में जितना है, बाहर में हम लोग जितना पिकअप करते हैं, तो कचरा को ये दुकानदार लोग बाहर लोग अंदर फेंक दिया घर का अंदर में ना, तो गाड़ी यहाँ से गुजरते हैं अंदर को दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं दिया। तो आप लोग जैसे आप लोग कवरेज गए, तो आप लोग का तरह से हम लोग को मैसेज मिला या सोशल मीडिया मिल गया, तो रातों रात हमको कल रात को ही सब मतलब सब जितने मेरा स्टाफ को कवर दिए, तो सुबह सब आके काम कर रहे हैं। तो हम पब्लिक से और दुकानदार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए ना। तो हम लोग एक इंसान है, स्टाफ होने से भी या डिपार्टमेंट होने से भी स्टाफ आदमी है ना, एज ह्यूमन बींग है, तो आप लोग सबका कोऑपरेट चाहिए। सोशल ये आपका मार्केट सोसाइट मार्केट कमेटी से भी सपोर्ट चाहिए, या आप सोशल मीडिया से भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक आदमी से तो काम नहीं होगा, सब मिलके हाथ जोड़ाने से तभी काम होगा ना। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है कि कचरा होने से, कचरा तो अपना कभी घर में कोई भी नहीं रखेगा, तो हमारा घर में भी कचरा होने से हम एटलीस्ट हम भी खुद काम करते हैं, उसको कहीं फेंकना है, गाड़ी में डालना है, ये आप लोग सब काम करना चाहिए। तो ऐसे हमें इतना बोली में हमें फेंक कर रख दिया है, तो हम लोग पता नहीं चला है, क्योंकि ये भी मार्केट से थे तो अभी तक ओपनिंग नहीं किया है, ये लोग दुकानदार या आसपास लोग उसको ही कचरा बना दिया है। तो हम रिक्वेस्ट ऐसे मत कीजिए, एटलीस्ट आप लोग बाहर में रख दीजिए, तो गाड़ी को वेटिंग नहीं कर सकने से बाहर रख दीजिए, हमारा स्टाफ लोग उठा लेगा। तो पब्लिक को, पब्लिक और हमारा दुकानदार जितना भी हमारा जीरो का जितना दुकानदार है, वही हम रिक्वेस्ट है इंडिविजुअली आप लोग सब मतलब सेंस होना चाहिए, कोई भी कचरा को जीरो में फेंकेगा जीरो ही गंदा होगा, तो सब मतलब हाथ जोड़ के काम करना चाहिए कि जीरो को साफ करना चाहिए बोल के ना, मेरा रिक्वेस्ट है सबको। थैंक यू। एंड सर, मैं चाहूँगा कि जो हमने सुना है कि आप लोगों ने कहीं कंप्लेन बॉक्स कहीं बना के रखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को बताएं कि हाँ, अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो जो कचरा है अर्बन डेवलपमेंट जो अंदर हापोली के टाउन के अंदर में आता है, तो अगर साफ सफाई कुछ करना है तो कंप्लेन बॉक्स कहीं रखा गया है, मैंने सुना है, तो आप उस बारे में थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को बताएं। कंप्लेन बॉक्स जो ऐसे हम लोग का जो कंप्लेन बॉक्स वगैरह हमारा यूडी कॉम्प्लेक्स में है, अभी पुराना आगे डीसी चैम्बर था, तो यूडी कॉम्प्लेक्स में कंप्लेंट बॉक्स दिया गया है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप लोग उसमें हम लोग को मतलब आके कवर दे सकता है ऐसे ऐसे बोल के ना। तो ऐसे नहीं करके मतलब ऐसे नहीं है वो नहीं करता नहीं बोल के, क्योंकि कभी कभी चूक जाता है, तो उसमें आके आप लोग कंप्लेंट बॉक्स में डालना है या कंप्लेंट लिखना है, मतलब सर हम लोग का जो स्टाफ होता है उसको बताना है ऐसे जगह में ऐसे हो रहा है ना, तो बोलने से हम लोग तो दिन शाम को भी आके ले लेगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ बैठा है कि पब्लिक के लिए बैठा है, तो पब्लिक का सेवा के लिए बैठा है, तो ना इसलिए जितना सकता है हम ट्राई कोशिश करता है कि जीरो को साफ करने के लिए। एंड मैं सर से बहुत थैंकफुल हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारे जो देश में है सभी लोग सर के जैसे हो, जो इतनी जल्दी मतलब एक्शन लिया, तो ऐसा आजकल बहुत कम लोग ऐसे को देखने मिलता है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटियों को इस तरह निभाते हैं। क्योंकि हमने ये जो है ये इस गार्बेज के थ्रो पे जो कवर किया था जो वीडियो, वो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो सर ने इतना जल्दी इस चीज़ को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के इस चीज़ को एक्शन लिया गया है। मैं सर से बहुत दिल से थैंकफुल हूँ कि आप हमारे जीरो के अंदर पे एज ए जेई की थ्रो पे हो, तो थैंक यू सर। थैंक यू न्यूज जज। थैंक यू सर।
तो मैं सभी नागरिकों से भी कहूँगा जो हमारे सर से आपने देखा ही है, तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसी तरह निभाओगे तो हमारा जो ये जीरो है सिर्फ सुनने के लिए खूबसूरत ही नहीं रहेगा, देखने पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो कचरा है प्लीज़ आप सभी जो कचरे डब्बे पे डालिए, इस तरह से मत फेंकिए। एंड में लास्ट टाइम जो है हमने दुकानदारों से भी कुछ नहीं कहा, अभी जब मैंने देखा है कि यहाँ जो कचरा है ये दुकानदार का भी बहुत सारे बास्केट वगैरह निकाला गया है, तो मैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो आप सभी का जो सामान है कचरा वगैरह है प्लीज़ इस तरह से मत फेंकिए। एंड हमारे पब्लिक से भी मैं कहूँगा कि आप सभी भी प्लीज़ जो अगर कुछ रेप अगर कुछ कचरा होता है तो अपने घर पर किसी जगह पर जहाँ डस्टबिन मिलता है वही थ्रो कीजिए, इस तरह कहीं भी इधर उधर ना फेंकिए। थैंक यू और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ जेट पर।